मैं फिल्म मेकर हूँ। ओके, तो अभी जो आप लोग यहाँ है किस पर्पस से आए हमारे पास वो थोड़ा बता दीजिए। पर्पस तो ये है कि आपको पूरा फैमिली को लेकर के एक बायोग्राफी लिखूं और उस पर एक शॉर्ट मूवी करूं। कैसे है? तो आज मैं जा रहा हूँ थोड़ा फिनिशिंग, संडे है ना, तो मैं सोचा कि तैयार हुआ हो करके थोड़ा फोटो वोटो शूट कराने जाएंगे। अभी तक हमारे साथ मिंटू, तो अभी मिंटू भी है साथ में, तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट एक सैलून जो हमारे दोस्त का। और ये अभी हम लोग आ गए सतार सेट मोड। अरे आईफोन का क्वालिटी का बात करें तो बहुत झक्कास है ना, देखिए क्वालिटी देखिए। जावेद भाई दिख ही नहीं रहा है, तो आ गए सैलून में यहाँ। हाँ भाई ठीक है, ठीक है भाई ना। ओके, तो फाइनली मैं सैलून आ गया, और जब भी डाल्टनगंज जाता हूँ तो इस सैलून में ज़रूर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेरा दाढ़ी सेविंग वगैरह अच्छे तरीके से हो जाता है। और यहाँ पे जो ये है जावेद भाई, यहीं पे देख रेख करते हैं। अगर आप लोग आओ इस सैलून में, देख लो कहाँ पे जावेद भाई सैलून, ये बता दो, मैं नहीं बताऊँगा। विष्णु मंदिर। अच्छा फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, विष्णु मंदिर के जस्ट सामने मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार। वो देखिए विष्णु मंदिर, और जस्ट सीढ़ी चढ़ के आइएगा तो यहाँ से आपको यहाँ मस्त। लेकिन जो डाल्टनगंज में रहता है, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो इस सैलून में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम बहुत हार्ड होता है। ओके, तो फाइनली हमारा नंबर आ गया है, और मेरा हेयर का जो कलर है वो काफ़ी फेड हो गया है, बट कलर जो है ना ज़्यादा, मतलब एक मंथ दो मंथ से ज़्यादा नहीं चलता, उसके बाद कलर जो अपना है ना वो छोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो हमारा हेयर काफ़ी फेड हो गया है। तो अभी मैंने सैलून में जस्ट हैदर से बात किया, तो बोला आइए अब दूसरा कलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जब ये हेयर कलर होता है तो उसके बाद से आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हो, कलर फेड होते जाता है तो, और बाकी ब्लैक भी करा सकते हैं, लेकिन अभी सोचते हैं कि थोड़ा इंजॉय कर ले। आ गए हमारे ये, तो हमारा दाढ़ी यही सेट करते हैं हमेशा जब भी मैं यहाँ डाल्टनगंज जाता हूँ। तो अब यहाँ देखते हैं कैसा चालू किया जाए। हमारा फाइनली बीएड सेट हो गया, और जो कि देख सकते हैं कि मैं ज़्यादा घना नहीं रखता, क्योंकि बहुत कम रखता हूँ, ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता इसके वजह से, बट अपने हिसाब से सेट करके मैं रखता हूँ। ऐसा आप लोग भी कर सकते हो, जो आपको देखने में अच्छा लगे तभी आप रखो, ऐसा नहीं कि दूसरे के साथ देख करके कॉपी करें तो ऐसा नहीं चलता। तो आपको जब आपको लग रहा है कि मैं सर्टिफाइड हूँ इस बीएड से, तो मैं ऐसा रखता हूँ। और भी लाइफ स्टाइल का ब्लॉग आएगा और बहुत चल रहेगा, अभी हम लोग चलते हैं घर। घर में दो आदमी आने वाले हैं जो कि मुंबई से हैं, और पता नहीं क्यों आ रहे हैं, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। तो जावेद भाई चलते हैं, ठीक ना भाई? आएंगे तो भाई लोग डिस्काउंट कर देना कोई। ओके, तो फाइनली मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ घर की ओर, क्योंकि घर पे भी दो आदमी आने वाले हैं और मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं, और बीएड कैसा सेट हुआ एक बार कमेंट करके बता देना। और ये सैलून काफ़ी अच्छा है, मैं बहुत टाइम से यहाँ आता हूँ, और वो हमारा फ्रेंड है जावेद भी, आपको पता होगा पहले ब्लॉग देखे होंगे। तो अभी चलते हैं फटाक से, गाड़ी निकाल लिया इधर, चलो। तो सैलून आना होगा तो ये विष्णु मंदिर है, विष्णु मंदिर के सामने जस्ट ये कोसियारा कम्प्लेक्स है, यहाँ से सीढ़ी चढ़ के आप जा सकते हो सैलून में, और इधर हमारा गाड़ी रेडी है, चले। ओके, तो फाइनली मैं घर आ गया, और घर आने के बाद, और गर्मी इतना डाल्टनगंज में है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ता है डाल्टनगंज में, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो घर तो आ गया फाइनली, अभी दो आदमी आने वाले हैं, पता नहीं कहाँ से आने वाले हैं, वो आने के बाद पता चलेगा। जब तक मैं नहाने से पहले मैं आपको स्पेशल चीज़ दिखा दूँ, जो कि हमारे पीछे पैरोट दिखता होगा, तो पैरोट को दिखाते हैं। ये हमारे घर का काफ़ी पुराना फैमिली एंड सदस्य है। कैसा मिट्टू? ये काफ़ी पुराना मिट्टू है हमारे घर का, करीब आई थिंक हो गया होगा 8 साल 7 साल हो गया होगा, उससे कहीं ज़्यादा ही हो रहा है। पापा तो एक व्लॉग में बता रहे थे, मैं सोच रहा हूँ इसको थोड़ा सा एक ग्वाफा यानी अमरुद में तोड़ के दे दूँ, लेकिन अभी इस पेड़ पे अमरुद मिलेगा नहीं। काफ़ी हरा भरा अच्छा लग रहा है ना देखने में, एक्चुअली बारिश का मौसम है इसलिए, तो एक भी अमरुद मुझे दिख नहीं रहा है हमारे पेड़ में, पता नहीं कैसा पेड़ है, लेकिन बाहर में अमरुद तो बहुत अच्छा बिक्री हो रहा है अमरुद, लेकिन एक अमरुद मिल गया भाई, वो रहा उसको मैं तोड़ूँ कैसे। अच्छा भाई कहाँ दिखा आप लोगों, यहाँ है, और इसको अपन तोड़ेगा ऐसे। ओए किधर गया, वाह तेरे किस्मत में था मिठू अमरुद, ले खाएगा
रुक जा पहले धो के लाते हैं। ओके हमारे मिट्टू की किस्मत में था ये अमृत, ले बेटा खा ले। लेकिन बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भाई कि मिट्टू को पिंजरा में क्यों रखा है। एक्चुअली मैं इसे बाहर भी रखता हूँ, ये उड़ भी नहीं पाता है अभी सही से, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि बिल्ली वगैरह रहता है तो टांग के ले जाता है, तो इसकी वजह से मैं इसे अभी पिंजरा में रखा हूँ, ज़्यादा खुला नहीं छोड़ता हूँ क्योंकि मैं भी इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। फाइनली मैं नहा धो के तैयार हो गया, लेकिन हमेशा हर काम में मैं लेट हो जाता हूँ। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि पहले हमारे पास दो मेहमान आ रहे हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं, मुंबई से, जैसे बताया नहीं था लेकिन अभी बता रहा हूँ कि मुंबई से आए हुए हैं। और ये हैं हमारे सारे भैया लोग, और ये लोग कौन है मैं आपको बताऊंगा, इनसे पूछ करके एक बार हाय कर दीजिए। आप लोग कैसे कैसे ढूंढे हमें? अरे बहुत मुश्किल से मोंटी बाइक से मिलना हुआ। अच्छा ऐसा है? ओके तो मैं अभी आपसे पूछ के बताता हूँ कि ये लोग कौन है और कहाँ से आए और क्यों आए हैं हमारे पास। ओके थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनीत चौधरी है। अच्छा मैं फिल्म मेकर हूँ, यहाँ पर अभी एक बड़ी स्टोरी पर काम कर रहा हूँ डाल्टनगंज में। अच्छा। तो मैं सोचा क्यों ना इन पर एक बायोग्राफी लिख करके फिल्म कर डालो। अच्छा और आपका नाम? मेरा नाम दिलीप कुमार साहू है। दिलीप कुमार साहू। और आपका भी? मेरा नाम चंदन कुमार है। चंदन कुमार है। आप कहाँ से आए? मैं तो बेसिकली वर्क प्लेस मुंबई है और मैं डाल्टनगंज से ही हूँ, लेकिन वर्क प्लेस मुंबई है और सारा काम मुंबई से ही होता है। ओके तो अभी जो आप लोग यहाँ हैं किस पर्पस से आए हमारे पास, वो थोड़ा बता दीजिए। पर्पस तो ये है कि आपको पूरा फैमिली को लेकर के एक बायोग्राफी लिखूं और उस पर एक शॉर्ट मूवी करूं। शॉर्ट मूवी करें? हाँ। यानी कि हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे ऊपर एक बायोग्राफी डॉक्यूमेंट्री टाइप पर कुछ ऐसा बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप जहाँ से उठे हुए हैं, जिस गरीबी सिचुएशन से उठ करके यहाँ तक आज मुकाम हासिल किए हैं, उसको तो बायोग्राफी के रूप में पेश करना है। हाँ, ओके तो पहले हम लोग मिल चुके हैं, पहले हमारा फोन से बात हो चुका था और इनके पास गए थे, हमारे बारे में जो जानकारी था ये लोग ले चुके थे, लेकिन बोले कि आपके मम्मी पापा से मिलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे और प्लान करेंगे कुछ और। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और बस थोड़ा देरी के बाद मैं खातिरदारी करूंगा। अभी कुछ पापा से कुछ पूछ रहे हैं क्या क्या हुआ है इनके लाइफ में। हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनने जा रहा है, हमारे बायोग्राफी के ऊपर, ये मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। और ये सारा क्रेडिट आप लोग को जाता है क्योंकि आप लोग की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज हमारे साथ भैया है वो सिर्फ आप लोग की वजह से। ओके तो हमारी मम्मी भी आ गई और मम्मी का भी इंटरव्यू होगा यहाँ पर, कुछ पूछा जाएगा कब क्या कैसे हुआ, कुछ चल रहा है। तो फाइनली यहाँ पे जो भी हमारे बायोग्राफी के बारे में पूछना था मम्मी पापा से, और मम्मी से भी और पापा से भी पूछ लिए हैं सर लोग। और जैसा देख सकते हैं यहाँ सारा कंप्लीट हो गया प्रोसेस, अब तो उसमें रिकॉर्ड हो गया है जो पापा बताए हमारे और मम्मी बताए कि हम लोगों का क्या स्ट्रगल लाइफ था और अभी क्या है और कैसे हैं, ये सारा कवर करेंगे विनीत भैया, तो बहुत जल्द आएगा, मैं बाद में बताऊंगा। बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारे जो आदमी लोग आ रहे थे बहुत दूर से आ रहे थे तो आ गए, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए कब तक काम स्टार्ट होता है, मैं तो अपडेट आप लोगों को देते रहूँगा, बहुत जल्द देते रहूँगा जब से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद है ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, एक थोड़ा नॉलेज मिला होगा आप लोगों को, कुछ ना कुछ सीक्रेट रहने देते हैं। कुछ सीक्रेट रहने देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बीएपी खुश रहे एंड सेफ रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। बाय।